एट ने डिफाइन किया इंट्रास्टेट <coughs> सप्लाई क्या होगा ओके okay, तो सर सबसे पहली बात इंटरास्टेट और इंटरस्टेट को पढ़ना बहुत जरूरी है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि सीजीएसटी हो एसजीएसटी हो या आईजीएसटी हो लेवी क्या होता है सर इंट्राटेट सप्लाई पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है इंटरस्ट सप्लाई पे आईजीएसटी लेवी होता है सेक्शन नंबर सेवन ऑफ दी आईजीएसटी जीएसटी ने कहा है इंटरस्टेट सप्लाई सर सबसे पहली बात अगर आपने कोई भी गुड्स सप्लाई किया जहां सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई दो डिफरेंट स्टेट में है दो डिफरेंट यूनियन टेरेटरी में या एक स्टेट और एक यूनियन टेरेटरी में तो ऐसे केस में वो इंटर स्टेट सप्लाई कराएगा सेकंड अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया और इंपोर्ट करके उसको कस्टम बोनेट में रखा हुआ है बिफोर द गुड्स गेटिंग क्लियर फ्रॉम कस्टम एरिया अगर उन गुड्स को आपने बेचा है तो उसको इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं इसीलिए इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को शेड्यूल थ्री में लिख के बोला कि नहीं 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 इसको सप्लाई नहीं मानेंगे इस पर जीएसटी नहीं लगाना है वरना आजीएसटी यहाँ लग रहा था और जब कस्टम क्लियरेंस कराओगे तब तो आई जी वैसे भी लगेगा बेटा इसलिए गवर्नमेंट ने सर सिन से सप्लाई के स्कोप में आ रहा था इंटरसेट सप्लाई के स्कोप में इसलिए शेड्यूल थ्री में डाल के बोल दिया कि इस पर कोई जीएसटी नहीं लगाना है थर्ड सर अगर आपने कोई सर्विसेज सप्लाई करी जहां सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई दो डिफरेंट स्टेट है या दो डिफरेंट यूनियन टेरेटरी है या वन स्टेट और वन यूनियन टेरेटरी तो ऐसे केस में इट इज इंटर स्टेट सप्लाई देन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज आपने सर्विसेज इंपोर्ट करी तो वो क्या होगा सप्लाई इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स एंड सबसे फाइव बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेक्शन नंबर सेवन सबसे फाइव सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बहुत जहां पे सप्लायर इज लोकेटेड इन अच्छा ये गुड्स और सर्विस और बहुत कॉमन बेटा जहां पे सप्लायर इज लोकेटेड इन टेक्सबल टेरिटरी एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज़ आउटसाइड इंडिया तो ऐसे केस में वो इंटर स्टेट सप्लाई सेकेंड सप्लाई टू और बाय यूनिट ऑफ एसड और डेवलपर ऑफ एसड इंटर स्टेट देन सर बहुत अच्छा पॉइंट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बहुत बहुत अच्छा पॉइंट ध्यान रखिएगा इन द टेक्सबल टेरेटरी अगर टेक्सबल टेरेटरी में आपने सप्लाई किया जो

सब सेक्शन वन इज रिगार्डिंग गुड्स कि सर जहां सप्लायर का लोकेशन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम स्टेट है सेम यूनियन टेरेटरी तो ऐसे किस में वो क्या इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स पर 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 यहाँ पे तीन एक्सेप्शन है फर्स्ट अगर आपने सप्लाई किया है टू अ यूनिट ऑफ एसजेड और बाय यूनिट और डेवलपर ऑफ एसजेड टू और बाय यूनिट या डेवलपर ऑफ एड तो भले वो सेम स्टेट में फिर भी वो इंट्रा नहीं कहलाएंगे सेकंड सर कोई गुड्स आपने इंपोर्ट कर लिया कस्टम कस्टमर में है और बिफोर द गुड्स गेटिंग क्लियर फ्रॉम द कस्टम एरिया अगर आपने उसको बेचा है तो भले वो सेम स्टेट में है सप्लायर भी और गुड्स भी फिर भी सर इंट्रा स्टेट नहीं कहलाएगा क्योंकि वो इंटर कहलाता है और लास्ट फॉरन गोइंग सॉरी अगर आपने फॉरन <coughs> टूरिस्ट को कोई तो supply, supply, okay? sir, eight, services, अगर कोई गुड्स बेचा तो दैट इज इंटर स्टेट सप्लाई दैट इज इंटर स्टेट सप्लाई ओके सर सेक्शन नंबर एट सेक्शन टू इज रिगार्डिंग सर्विसेज अगर सप्लायर ऑफ सर्विसेज एंड स ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस दो अलग अलग स्टेट है दो अलग अलग तो इंटर स्टेट कहलाता है फिर भी बेटा ओके सेवन और सेक्शन नंबर एट अच्छा रखना अगर कोई पर्सन है जिसका एक ब्रांच इंडिया में एक ब्रांच आउट ऑफ इंडिया है तो ऐसे केस में वो सर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस्टिंग पर्सन कहलाएंगे या किसी कंपनी का एक ब्रांच या रिप्रेजेंटिव रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस सर इंडिया में और कंपनी बाहर की है तो भी वो क्या कहलाएगा डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट कहलाएंगे सेम इज द केस अगर इंडिया की कंपनी और उसका ब्रांच आउट ऑफ इंडिया है तो वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंग पर्सन क्या लाएंगे बेटा okay? ये सेक्शन नंबर एट खत्म होता है अब ओके सर सेक्शन नंबर नाइन सेक्शन नंबर नाइन सुनिएगा ध्यान से सर ओके सेक्शन नंबर नाइन सेक्शन नंबर नाइन इज रिगार्डिंग सप्लाई इन टेरिटोरियल वाटर्स ओके सर ध्यान रखिएगा अगर सप्लायर का लोकेशन सप्लायर इज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी सॉरी सप्लायर इज लोकेटेड इन टेरिटोरियल वाटर्स या फिर प्लेस ऑफ सप्लाई टेरिटोरियल वाटर है तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई या सप्लायर का लोकेशन कैसे डिटरमाइन होगा तो सर वो नियरेस्ट प्लेस वो नियरेस्ट कोस्टल स्टेट या यूनियन टेरिटरी जहां पर नियरेस्ट पॉइंट पड़ता है तो सर दैट इज द स्टेट जहां पे वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा या सप्लायर का लोकेशन उस स्टेट में माना जाएगा जो नियरेस्ट कोस्टल स्टेट है बेटा क्लियर ये सेक्शन नंबर नाइन ओके ओके okay, अब अगले प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन नंबर टेन इलेवन इज रिगार्डिंग गुड्स सेक्शन नंबर ट्वेल्व थर्टी इज रिगार्डिंग सर्विसेज सबसे पहली बात सेक्शन नंबर टेन प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अच्छा ध्यान रखना एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए सेक्शन नंबर फॉलो करेंगे उसके अलावा जितने भी सप्लाई ऑफ गुड्स के ट्रांजेक्शन है उनके लिए सेक्शन नंबर टेन दिया है सेक्शन नंबर टेन सब सेक्शन वन कहता है कि सर इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अर देन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स प्लेस ऑफ सप्लाई शल भी डरमाइन शेल भी डरमाइंड एज अंडर सर फर्स्ट वेर द्रांजेक्शन इनवॉल्वस मूवमेंट ऑफ द गुड्स तो वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई शेल ब प्लेस वेर दी मूवमेंट ऑफ दी गुड्स टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी टू दी रेसीमेंट भले ही मूवमेंट सप्लायर करा रहा है या रेसिपेंट करा रहा है उससे कोई कंसर्न है एफ ओ आर बेस पर डिलीवरी हो या एक्स फैक्ट्री बेस पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है जहां पर मूवमेंट टर्मिनेट होता है फॉर डिलीवरी टू द रेसिमेंट दैट इज द प्लेस विच इज द प्लेस ऑफ सप्लाई सेकंड अगर बिल टू शिफ्ट मॉडल है बिल टू शिफ्ट मॉडल है अगर सर कस्टमर के रिक्वेस्ट पे आपने गुड्स किसी थर्ड पर्सन को डिलीवर कर दिया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कहा डिलीवर किया जो कस्टमर है सर जिसके नाम पे बिल बन रहा है उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई अच्छा हाँ सर अब इस कस्टमर की डायरेक्शन पे थर्ड पर्सन को जो डिलीवर किया है ये सप्लाई नंबर टू हो गया और अगर ये भी सप्लाई के स्कोप में आता है तो इस ट्रांजेक्शन के लिए सप्लाई नंबर टू वाले ट्रांजेक्शन के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा जहां आपने गुड्स डिलीवर किया है जहां मूवमेंट टर्मिनेट हुआ है वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा सप्लाई नंबर टू के लिए ओके थर्ड जहां पर मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व नहीं होता है तो ऐसे केस में प्लेस वेर दी गुड्स टू दी कस्टमर जहां गुड्स को डिलीवर किया है तो इलेक्शन करना, 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 करना पड़ता है किसी पर्ट्यूलर साइट पर तो जहां पर उन गुड्स का असेंबलिंग किया है वही क्या हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई नेक्स्ट अगर आपने ऑनबोर्ड सर आपने कोई गुड्स बेचा है ऑनबोर्ड ट्रेन में कोई गुड्स बेची फ्लाइट में गुड्स वेर दी गुड्सन ऑन बोर्ड किस प्लेस पे गुड्स वर और ऑन बोर्ड दी या एयरक्राफ्ट सर कन्वेंस गुड्स को कहां लोड किया गया था वो प्लेस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन नंबर टेन सबसे बोलता है गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो रूल्स प्रिस्क्राइब कर सकता है अगर वहां पे प्ले... अगर किसी केस में प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं हो रहा है तो पर एट प्रेजेंट कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई जिसकी वजह से रूल बनाने पड़े कोई रूल अभी नहीं है सेक्शन नंबर टेन को लेकर ओके सेक्शन नंबर इलेवन इज रिगार्डिंग सर इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई सला बी लोकेशन ऑफ दी इंपोर्टर एंड इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्लेस ऑफ सप्लाई बी स लोकेटेड आउट साइड इंडिया क्लियर आउट साइड इंडिया प्लेस ऑफ सप्लाई इनकेसपोर्ट ऑफ गुड्स का लोकेशन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों ही टेक्सिबल टेरेटरी के है. तो वहां पर सबसे टू से लेकर थर्टीन तक सर फोर्टीन uh, तक डिफाइन किया गया कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा फिर सेक्शन नंबर थर्टी में हम पढ़ेंगे जहां पर सप्लायर का लोकेशन या प्लेस ऑफ सप्लाई एक आउट ऑफ इंडिया है और एक इंडिया है तो ऐसे केस में क्या होगा हम सेक्शन नंबर थर्टीन की तरफ बात करेंगे अभी हम बात करें क्या सेक्शन नंबर ट्वेल्व जहां पे दोनों ही पर्सन डोमेस्टिक है मतलब डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन गुल मिला के सबसे ओके सर सब सेक्शन टू ने लिखा हुआ है अगर आपकी सर्विसेज

रेसिपेंट इज रजिस्टर्ड इन जीएसटी तो उसका लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई और अगर रेसिपेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो देखो क्या उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड आपके पास है अगर एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है तो वो लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई पर रेसिपेंट का लोकेशन ऑन रिकॉर्ड नहीं है तो फिर ऐसे केस में क्या करेंगे भाई सप्लायर का लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा क्लियर ये जनरल प्रोविजन है रेसिडुअल प्रोविजन है अब सब सेक्शन थ्री से लेकर थर्टीन तक फोर्टीन तक स्पेसिफिक प्रोविजन की बात करें सेक्शन थ्री इज रिगार्डिंग इमोबल प्रॉपर्टी सर इमूल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी सर्विस अगर है तो ऐसे केस में द प्लेस वेयर द इमूल लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड या होटल अकोमोडेशन सर्विस अगर है तो जहां पे होटल वो होटल या गार्डन वगैरह अगर आपने बुक कराया है बैंकवेट हॉल बुक कराया तो ऐसे केस में जहां वो प्लेस लोकेटेड है वही क्या हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई पर इफ द इमूल इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया तो ऐसे केस में रेसिपेंट का लोकेशन शल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई और अगर मान लो इमूल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरेटरी पर उसके लिए फीस कॉमन चार्ज किया है <coughs> तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा कौन सी लोकेशन माना जाएगा उसके लिए रूल नंबर फोर दिया है आईजीएस रूल्स में रूल नंबर बोलता है क्या अगर होटल अकोमोडेशन से रिलेटेड सर्विस थी मोर देन वन होटल बुक कराया जो अलग अलग स्टेट में है पर फीस कॉमन चार्ज किया तो नंबर ऑफ नाइट स्टेट इन ईच होटल उसके अकॉर्डिंग आपको प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोपोर्शन करना पड़ेगा रिगार्डिंग ईच स्टेट सेकेंड अगर अदर देन दिस इमूल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सर्विस थी तो ऐसे केस में एरिया ऑफ द इमूल प्रॉपर्टी के रेशियो में क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई को डिपेंडिंग ऑन स्टेट टू स्टेट और अगर हाउस बोट हाउस बोट में आप ट्रेवल करें हाउस बोट का जो रेंट चार्ज किया है सर उसके लिए प्लेस डिफाइन करना है? अगर वो हाउस बोट मोर देन वन स्टेट या, या यूनियन टेरिटरी में ट्रेवल करती है तो ऐसे केस में सर टाइम स्पेंड इन ईच स्टेट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई को कर देंगे और रेस्पेक्टिव स्टेट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई सो दैट रेस्पेक्टिव स्टेट को रेवेन्यू मिले क्लियर सर सब सेक्शन नंबर फोर इज रिगार्डिंग परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस मतलब रेस्टोरेंट एंड आउटडोर कैटरिंग सर्विस ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विस पर्सनल ग्रूमिंग सर्विस हेल्थ एंड कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी सर्विस इन सब सर्विस बोला है प्लेस ऑफ सप्लाई शेल बी द प्लेस वेर द सर्विस एक्चुअली परफॉर्मड क्लियर सर सब सेक्शन नंबर फाइव बोलता है ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस अगर बी टू बी ट्रांजेक्शन है recipient, अगर रजिस्टर्ड है जीएसटी में तो रेसिमेंट का लोकेशन बी द प्लेस ऑफ सप्लाई और अगर रेसीबेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो द ट्रेनिंग जहां पे सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्मड इज द प्लेस ऑफ सप्लाई सब सेक्शन बोलता है सर इवेंट <coughs> कोई भी इवेंट हो रहा है कल्चरल हो या कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट है इस तरह का कोई भी इवेंट हो रहा है जिसमें आपने एंट्री टिकट लिया राइट टू एडमिशन तो ऐसे केस में एडमिशन टू इन इवेंट और अम्यूजमेंट पार्क और एंसिलरी एक्टिविटी मतलब मान लो आप टिकट के एजेंट हो तो उन सबके केस में जहां वो इवेंट हो रहा है या अम्यूजमेंट पार्क जहां लोकेटेड है, है वही क्या हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई इज रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट इवेंट मैनेजमेंट कंपनी या स्पॉन्सरशिप ऑफ द इवेंट या फिर एंसिलरी सर्विस इन रिलेशन टू ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट उनसे रिलेटेड कोई भी सर्विस है तो अगेन इसमें ध्यान रखिएगा जहां वो इवेंट हो रहा है या होने वाला इस है इस द प्लेस ऑफ सप्लाई पर अगर इवेंट आउट ऑफ इंडिया हो रहा है तो रेसिपेंट का लोकेशन शेड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई और अगर इवेंट <coughs> तो रूल फाइव बोलता है क्या सर जनरली एक्सेप्ट अकाउंटिंग प्रिंसिटिव स्टेट वाइज प्रोपोशन स्टेट ऑफ्लाई पर इन सारे में, ये कोई भी आपको चेक करने की जरूरत नहीं प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है क्योंकि इफ द रेसिपेंट इज रजिस्टर्ड इन जीएसटी तो बात ही खत्म कर देना भाई रेसिपेंट का लोकेशन क्या हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई इवेंट मैनेजमेंट सर्विस और ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट या इवेंट को सर स्पॉन्सर करना है या फिर इवेंट को ऑर्गेनाइज करने से रिलेटेड कोई भी एंसिलरी सर्विसेज है इन सबके लिए अगर रेसीपेंट रजिस्टर्ड है जीएसटी में तो इवेंट कहा हो रहा है आउट ऑफ इंडिया हो रहा है इंडिया में हो रहा है मल्टीपल स्टेट में हो रहा है कुछ मत देखना डायरेक्ट रेसिपेंट का लोकेशन नहीं क्या हो जाएगा बच्चों प्लेस ऑफ सप्लाई फिर सब सेक्शन नंबर एट बोलता है ट्रांसपोर्टेशन गुड्स इंक्लूडिंग मेल और कुरियर सर्विसेज के केस में अगर रेसिपेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो उसका लोकेशन सेल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई और अगर रेसिबेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो जहां से माल उठाया है उटपोर्ट फॉ ट्रांसपोर्टेशन इज ऑफ सप्लाई पर गुड्स का डेस्टिनेशन आउट ऑफ इंडिया जा रही है तो डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स विल बी द्लेस ऑफ सप्लाई सबसे अगेन बोल दिया अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस जिसको आप दे रहे हो रेसिपेंट अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो बात ही कदम उसका लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई पर अगर रेसिपेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो ऐसे केस में जहां से उस पैसेंजर को उठाया है मतलब द प्लेस वेर द पैसेंजर एम्बार्क ऑन द कन्वेंस फॉर अ कंटिन्यूअस जर्नी सर ध्यान रखिएगा इसमें रिटर्न जर्नी को दो सेपरेट जर्नी माना जाएगा एंड अगर एट द टाइम ऑफ बुकिंग द पैसेज ये नहीं पता कि पैसेंजर कहाँ से उठने वाला है मतलब कहाँ से वो एम्बार्क करने वाला तो ऐसे में सब सेक्शन टू लगाया जाएगा पर हाँ इन सब की बात आएगी नहीं अगर रेसिपेंट क्या है रजिस्टर्ड है रेसिपेंट रजिस्टर्ड रे है तो उसका लोकेशन ही क्या हो जाएगा प्लेस और सप्लाई सो दैट उसका क्रेडिट मिल जाए उसको मिल मिल जाए क्रेडिट देखो इन सब सेक्शन में अगर आपने देखा होगा तो मैक्सिमम जगह अगर रेसिपेंट रजिस्टर्ड है तो उसका लोकेशन बनाया सो दैट उसके स्टेट को अगर रेवेन्यू जाएगी तो उसको आई मिल पाएगा क्लियर ओके देन आता है सब सेक्शन नंबर टेन सर्विस ऑन बोर्ड कन्वेंस मतलब आपने फ्लाइट में चाय मंगाई बोर्ड आपने कोई सर्विसेज ली बेटा क्लियर तो पहले तो जो आपने गुड्स परचेज किया था खिलौने परचेज किया था बेटा ट्रेन के अंदर उसके लिए e था था से goods को आपने कराया अभी सर्विसेज तो कहाँ ली भाई आप फ्लाइट के अंदर मान लो कोई सर्विस ले रहे हो क्लियर तो ऐसा थोड़ा ऊपर से देखो वो भाई, नहीं नहीं तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ द प्लेस ऑफ सप्लाई नंबर इलेवन सरकार बोलता है टेलीकॉम सर्विसेज <coughs> टेलीकॉम सर्विसेज इंक्लूडिंग डेटा ट्रांसफर ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज केबल एंड डायरेक्ट टू होम डीटीएच सर्विसेज टेलीविजन सर्विसेज टू एनी पर्सन तो ऐसे केस में अब देखो फिक्सड लैंडलाइन अगर है या लीज्ड सर्किट के थ्रू आप सर्विस दे रहे हो या फिर इंटरनेट लीज सर्किट है या डिश एंटीना के थ्रू सर्विस दे रहे हो तो जहां पे वो डिश एंटीना या इंटरनेट लीज सर्किट या फिर फिक्सड लैंडलाइन लोकेटेड है वही क्या हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई पर अगर मान लो पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन है मोबाइल कनेक्शन है बेटा अब मोबाइल में तो कोई फिक्स लाइन होती नहीं बेटा तो ऐसे केस में अगर पोस्टपेड है तो ऐसे केस में बिलिंग एड्रेस होता है वही क्या हो जाएगा प्लेस ऑफ पोस्ट पोस्टपेड इंटरनेट सर्विसेज या मोबाइल सर्विसेज बिलिंग एड्रेस ऑन रिकॉर्ड ऑफ दी सप्लायर तो सर रेसिपेंट का जो एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है बिलिंग एड्रेस वही क्या हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई पर प्रीपेड अगर है मोबाइल सर्विसेज और इंटरनेट और डायरेक्ट टू होम टेलीविजन सर्विसेज प्रीपेड अगर है अब इसमें दो केस बनेंगे क्या आपने किसी रीसेलर के थ्रू या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आपने सिम कार्ड या रिचार्ज कूपन बेचा है अगर यस yes, तो ऐसे केस में वो रीसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर का जो लोकेशन है वही क्या हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई पर अगर आपने सब्सक्राइबर को बेचा है रिचार्ज कूपन या सिम कार्ड तो ऐसे केस में द प्लेस वेयर सच प्री पेमेंट इज रिसीव्ड इज द प्लेस ऑफ सप्लाई और हाँ अगर आपने मान लो सर इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू रिचार्ज कराया तो ऐसे केस में लोकेशन ऑफ द रेसिपेंट ऑन रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर सर रेसिपेंट का लोकेशन जो ऑन रिकॉर्ड होगा वही क्या हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई और हाँ अगर आपका केस इन केसेस में फॉल नहीं कर रहा है उसके अलावा कोई और सर्विस है तो ऐसे केस में रेसिपेंट का लोकेशन द प्लेस ऑफ सप्लाई पर अगर रेसिपेंट का लोकेशन नहीं है तो सप्लायर का लोकेशन ही क्या हो जाएगा भाई प्लेस ऑफ सप्लाई और हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा बेटा सर सर्किट <coughs> सर्किट अगर आर लोकेटेड इन स्टेट तो वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा पर लीज सर्किट आर लोकेटेड इन मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी तो ऐसे केस में सर रूल नंबर सिक्स ऑफ द दी रूल्स बोलता है प्रोपोशन टू ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी वैल्यू पर किस प्रपोर्शन में तो उसके लिए बोल दिया सर क्या सर लीज सर्किट के जो पॉइंट होता है एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है एक एंड पॉइंट होता है उन दोनों को सिंगल सिंगल पॉइंट मान लेंगे और वन एस टू वन के रेशियो में दोनों स्टेट में रेवन्यू डिवाइड कर देंगे दोनों स्टेट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई पर अगर बीच में कोई इंटरमीडिएट पॉइंट है और वहां से भी आप लीज सर्किट की सर्विज सप्लाई कर सकते हो ऐसे के उसको थर्ड पॉइंट माना जाएगा और वन इज वन एस टू वन के रेशियो में क्या हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई डिवाइड हो जाएगा अमंग ऑल दो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी जहां पे वो लीज सर्किट के पॉइंट्स लोकेटेड है क्लियर ये सब सेक्शन नंबर 11 सब सेक्शन नंबर 12 बोलता है क्या बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज के केस में रेसीपेंट का लोकेशन बी द प्लेस ऑफ सप्लाई और रेसीपेंट का लोकेशन ऑन रिकॉर्ड नहीं है अवेलेबल नहीं है तो सप्लायर का लोकेशन क्या हो जाएगा भाई प्लेस ऑफ सप्लाई नेक्स्ट है इंश्योरेंस सर्विस इंश्योरेंस सर्विस के केस में अगर <coughs> रेसिपेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड तो उसका लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई और रेपेंट अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो रेसिपेंट का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड जो होगा वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा और अगर रेसिपेंट का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड भी नहीं है तो भाई ऐसा हो ही नहीं सकता है क्योंकि इंश्योरेंस किया है अब इंश्योरेंस क्लेम भेजना होगा तो एड्रेस नहीं होगा तो कैसे भेजेंगे भाई इसलिए रेसिपेंट का लोकेशन क्या होगा भाई प्लेस ऑफ सप्लाई एंड सबसे फोर्टीन एडवर्टीजमेंट सर्विसेज टू सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट स्टेट बॉडी और लोकल अथॉरिटी मेंट फॉर स्टेट्स और यूनियन टेरेटरी जिन जिन स्टेट में या यूनियन टेरेटरी में वो एडवर्टीजमेंट डिससेमिनेट हुआ है डिस्प्ले हुआ है वही स्टेट क्या हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई और अगर मल्टीपल स्टेट में वो एडवर्टीजमेंट डिससेमिनेट हुआ है तो प्रोपोशन टू वैल्यू ऑफ ईच स्टेट क्या करेंगे रेस्पेक्टिव स्टेट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ये आपका सब सेक्शन नंबर फोर्टीन खत्म होता है ये सेक्शन नंबर के सारे प्रोविजन खत्म हो गए अब मान लो कोई कंसल्टेंसी सर्विस है जो आपने किसी एक्सड कंपनी को प्रोवाइड करी अब देखो बेटा सर नॉर्मल एक चार्ट अकाउंटेंट की कंसल्टेंसी सर्विसेज ना सब सेक्शन थ्री फोर फाइव फोर्टीन में कई कवर नहीं है तो सब सेक्शन टू देखेंगे रेसिपी नगर जीएसटी में रजिस्टर तो उसका लोकेशन नहीं तो फिर सर उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है तो वो नहीं तो फिर सप्लायर का लोकेशन ही क्या हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई इस तरह से आपको प्लेस ऑफ सप्लायर डिफाइन करना होगा क्लियर अब आ रहे सेक्शन नंबर थर्टी में सेक्शन नंबर थर्टीन बोलता है क्या अच्छा ये आई जी रूल्स में रेस्पेक्टिव पॉइंट के साथ साथ पढ़ा चुका आपको बेटा ओके माहौल सरकार सेक्शन नंबर थर्टीन सॉरी

और अगर ऑर्डिनरी रेसिपेंट का लोकेशन डिटरमाइन नहीं होता तो फिर सप्लायर का लोकेशन क्या हो जाएगा भाई प्लेस ऑफ सप्लाई क्लियर ओके अब सब्जेक्शन नंबर थ्री की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा अच्छा ध्यान दीजिएगा बेटा यहाँ पर इंपोर्ट ऑफ सर्विस एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के प्रोविजन बहुत सारे अट्रैक्ट भी होते हैं इसके अंदर क्लियर सर ध्यान देना <coughs> सेक्शन नंबर थर्टीन की वजह से ये इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन एक पर्सन इंडिया का एक पर्सन आउट ऑफ इंडिया का है क्लियर तो यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस और इंपोर्ट ऑफ सर्विस का डेफिनेशन बहुत काम आता है अच्छा वैसे ये शुरू करने से पहले आपको बताता हूँ इंपोर्ट ऑफ सर्विस का डेफिनेशन क्या होता है जहां पे सप्लायर ऑफ सर्विस इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया रेसीपेंट ऑफ सर्विस इज लोकेटेड इन इंडिया टेक्सीबल टेरेटरी एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज ऑल्सो इन टेक्सिबल टेरेटरी तो वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस कहलाएगा इसलिए जरूरी नहीं कि सप्लायर आउट ऑफ इंडिया है रेसिपेंट इंडिया तो हमेशा इंपोर्ट ऑफ सर्विस है ही है क्लियर रेसीपेंट इंडिया में है नो डाउट सप्लायर आउट ऑफ इंडिया है, नो डाउट पर प्लेस ऑफ सप्लाई भी टैक्सवेल ट्रेडरी होना चाहिए इंडिया होना चाहिए तो ही वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस के स्कोप में कवर होगा बेटा क्लियर ओके सर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस पांच कंडीशन सबसे पहली बात सप्लायर ऑफ सर्विस इंडिया में होना चाहिए रेसिप ऑफ सर्विस आउट ऑफ इंडिया होना चाहिए प्लेस ऑफ सप्लाई भी आउटसाइड इंडिया होना चाहिए प्लस पेमेंट जो रिसीव हुआ वो कन्वर्टेबल फॉरन एक्सचेंज बना चाहिए प्लस वेर एवर अलाउड बाई दी आरबीआई अंडर फेमा वहां पर अगर आई एनआर में पैसा आया तो भी चल जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है प्लस एक लास्ट बात सर सप्लायर ऑफ सर्विस और रेसिपेंट ऑफ सर्विस दोनों सेम पर्सन के डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट नहीं होने चाहिए ध्यान देना मई ट्वेंटी टू या उसके बाद जिसके एग्जाम उसके लिए इस पॉइंट को लेकर एक सर्कुलर भी आया है और सर सिंपल सर, सर्कुलर तो क्लैरिफिकेशन है सर कोई भी एग्जाम में आ सकता है सिंपल सा पॉइंट बोला है कि सर कंडीशन नंबर फाइव जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन दे रखी है कि बोथ पर्सन शुड नॉट बी कंपनी उसका कोई ब्रांच है, representative, representative इंडिया में है तो बोथ आर डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेम पर्सन सेम वे इंडियन कंपनी कोई है उसका कोई ब्रांच या रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस आउट ऑफ इंडिया है क्लियर तो ऐसे केस में दोनों क्या है डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेम पर्सन है उन दोनों ने आपस में जो ट्रांजेक्शन करेंगे पर मान लो एक फॉरेन कंपनी है और उसने अपना एक ब्रांच इंडिया में खोला पर दैट ब्रांच इज रजिस्टर्ड इन इंडिया अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट तो सर क्या हो गया क्या हो गया भाई वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन गई है अगर वो सेपरेट लीगल एंटिटी बन गई है तो ऐसे केस में क्या हो गया भाई वो अलग कंपनी है और फॉरेन कंपनी अलग कंपनी है और दोनों कंपनी अगर अलग अलग है तो सेम पर्सन के डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट नहीं कहलाएंगे समझे मेरी बात ये बहुत अच्छा सर्कुलर था गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई किया कि अगर कोई इंडिया की कंपनी है और उसने एक ब्रांच आउट ऑफ इंडिया खोली है तो तो वो डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दी सेम पर्सन कहलाएंगे पर आउट ऑफ इंडिया जाके उन्होंने एक नई कंपनी खोल दी नई एंटिटी क्रिएट कर दी तो सर ऐसे केस में सेम पर्सन कैसे कहलाएंगे वो और उन्होंने अगर आपस में ट्रांजेक्शन किया है और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की अदर डेफिनेशन अदर कंडीशन फुलफिल होती तो वो एक्सपोर्ट के कवर, एक्सपोर्ट के स्कोप में आएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ओके सरकार आइए सर अब प्लेस सप्लाई विल प्ले अ बिग रोल डिफाइनिंग कि कोई भी सर्विस इंटरेस्टेड है है कि एक्सपोर्ट है कि इंपोर्ट है ओके तो सर उसके लिए अच्छा ध्यान रखिएगा मैं ये सेक्शन शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं यहां पर देखो लिखा है ऊपर मैंने क्या जानबूझ के लिखा जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं यहां पे पेशेंस रखने की जरूरत है प्लेस ऑफ सप्लाई के केस में क्यों क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है सप्लायर का लोकेशन क्या है फिर देखना है रेसिपियन का लोकेशन क्या है फिर देखना है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है फिर पता पड़ेगा कि स्टेट सप्लाई है कि इंटर स्टेट सप्लाई है और अगर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है तो बाद में समझ में आएगा कि वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस है सारी कंडीशन देखने के बाद और उसके बाद देखना कि सर वहां पे टैक्स लगना है कि नहीं लगना है और उसके बाद अगर टैक्स लगा तो रेसिपेंट को क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा वो सबसे लास्ट की बात है क्लियर डायरेक्ट शॉर्टकट मार के आंसर निकालने की कोशिश मत करना बस ध्यान रखना जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं माहौल होना चाहिए सर पर हां यू हैव टू कीप द पेशेंस क्योंकि जोश में होश को नहीं होना चाहिए कीप कीपकुल रिलैक्स माहौल के साथ सर पॉइंट कहता है क्या सेक्शन नंबर थर्टीन सेक्शन थ्री सर प्लेस ऑफ सप्लाई जहां पे सर सर्विस सप्लायर नीड्स सर्विस सप्लायर नीड्स फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द गुड्स जिस पे सर्विसेज परफॉर्म करनी है क्लियर फिजिकल प्रेजेंस नहीं होगा तो सर्विसेज परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लायर शेल बी द प्लेस वेर सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म जैसे रिपेयरिंग सर्विस हो गया जॉब वर्क सर्विसेज हो गया एटसेट्रा पर पे दो एक्सेप्शन दिए अगर कोई गुड्स टेम्परली इंडिया में एंटर हुआ है फॉर द दर्पज ऑफ रिपेयर या ट्रीटमेंट या कोई प्रोसेस और वो ट्रीटमेंट या प्रोसेस या रिपेयरिंग होने के बाद वो गुड्स वापस से इंडिया से बाहर चला जाता है विदाउट बिंग यूज इन इंडिया एक्सेप्ट वो यूज विच वॉज रिक्वायर्ड टू बी एक्सेप्ट वो यूज टू बी फॉर परफॉर्मिंग द रिपेयरिंग सर्विस तो ऐसे केस में सर सब सेक्शन नंबर थ्री नहीं लगाएंगे टू लगाएंगे मतलब अगर कोई गुड्स टेम्प्रेरी इंडिया में इंपोर्ट हुआ फॉर द पर्पज ऑफ रिपेयर्स आपने रिपेयरिंग परफॉर्म कर दी और रिपेरिंग होकर वो वापस इंडिया से बाहर चला गया विदाउट बिंग यूज इन इंडिया एक्सेप्ट वो यूज विच वॉज रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग द रिपेयरिंग सर्विस या ट्रीटमेंट या प्रोसेस करने के लिए तो सर ऐसे केस में सब सेक्शन थ्री नहीं लगाएंगे लाएंगे टू लगाएंगे जनरल प्रोविजन ओके और फायदा मिल जाएगा भाई अगर आउट ऑफ इंडिया सर्विस रेसिपेंट है फॉरेन करेंसी में पैसा आया है तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी आउट ऑफ इंडिया हो गया रेसिडेंट आउट ऑफ इंडिया है सप्लायर इंडिया का है और सर पेमेंट अगर फॉरेन करेंसी में गया दोनों सेम पर्सन के डिस्टिट एस्टेब्लिश नहीं एस्टेब्लिश नहीं है तो एक्सपोर्ट हो गया ना यार फायदा देने के लिए गवर्नमेंट ने क्लोज डाला है सेकंड सेकेंड एक्सेप्शन अगर मान लो आपने इलेक्ट्रॉनिक मीस के थ्रू गुड्स कहीं रिमोट लोकेशन में लोकेटेड थी और आपने यहाँ बैठे बैठे रिपेयरिंग कर दी तो एट द टाइम ऑफ परफॉर्मिंग द रिपेयर्स या एट द टाइम ऑफ परफॉर्मिंग द सर्विसेज वो गुड्स कहां लोकेटेड थी वही क्या हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई जैसे सर, एनी डेस्क एम एडमिन वगैरह के थ्रू आप जब कंप्यूटर वगैरह रिपेयरिंग करते हो वो एक सर okay, इसमें है, 13, 3 में, कि तो में जहां सर्विस परफॉर्म करी वही क्या हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई क्लियर फॉर एक्साम्पल मान लो आप आउट ऑफ इंडिया कहीं कही, कही, कही गए घूमने और वहां आपने मसाज करवाया फेशियल क्लियर तो ऐसे केस में सर्विसेज कहा परफॉर्म हुई है सर आउट ऑफ इंडिया हुई तो प्लेस सप्लाई भी क्या होगा आउट ऑफ इंडिया सप्लायर भी आउट ऑफ इंडिया रेसिपेंट भले इंडिया का है पर सर ध्यान रखना सप्लायर भी आउट ऑफ इंडिया प्लेस प्लस सप्लाई भी आउट ऑफ इंडिया क्योंकि सर्विस आउट ऑफ इंडिया परफॉर्म करी और प्लेस और रेसीमेंट भली इंडिया का हो कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं है कोई टैक्स नहीं है ऑब्वियसली बात है सर आप आउट ऑफ इंडिया गए वहां मसाज करा के क्या, क्या इंडिया में टैक्स पे करोगे क्या सवाल ही नहीं सेम वे रेस्टोरेंट सर्विस आउट ऑफ इंडिया गए खाना खाए वही सर्विसेस परफॉर्म हुई और यहाँ पे आके टैक्स पे करोगे क्या नो ओके ऐसे लॉजिकल समझा करो याद नहीं करना बेटा सेक्शन नंबर थर्टीन सबसे थ्री ओके सेक्शन नंबर थर्टीन सबसेज इन रिलेशन टू इमोबल प्रॉपर्टी सर जहां जहां प्रॉपर्टी लोकेटेड है या इंटेंडेड टू बी लोकेटेड वही क्या हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई क्लियर सर सब सब सेक्शन सेक्शन नंबर नंबर सॉरी सॉरी सर सबसे सर्विसेज इन रिलेशन टू एडमिशन टू एनी ऑफ द इवेंट या ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट या उससे रिलेटेड कोई भी एंसिलरी सर्विस इन सबके केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा जहां इवेंट हो रहा है या होने वाला है वही क्या हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई सब सेक्शन नंबर सिक्स जो हमने सब सेक्शन थ्री फोर और फाइव वाली सर्विसेज पढ़ी है वो अगर आपने मोर देन वन टेरिटरी में प्रोवाइड करिए इंक्लूडिंग वन टेरिटरी इन इंडिया तो पूरे के लिए अगर फीस कॉमन चार्ज करी तो पूरे के लिए प्लेस ऑफ तो सप्लाई क्या हो जाएगा टैक्सेबल टेरिटरी हो जाएगा और सर टैक्स लग जाएगा क्लियर अकॉर्डिंगली प्रोविजन लगेंगे बेटा ओके प्लस सब सेक्शन नंबर सबसे बोलता है इफ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड सब सबसे थ्री फोर फाइव वाली सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी और फीस कॉमन चार्ज किया तो ऐसे केस में प्रोपोज टू ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी वैल्यू विल बी डिटरमाइंड क्लियर अब इसको सर आई जी रूल्स में डिफाइन किया रूल्स ने बोला है कि सेम रूल्स जो हमने पढ़ाया अभी सर जो हमने सेक्शन नंबर ट्वेल्व के रेस्पेक्ट में जो रूल्स पढ़े वही यहाँ पे अप्लाई होंगे बस परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज के केस में अलग से बोला हुआ है अगर आपने कोई गुड्स पे सर्विसेज परफॉर्म करी है और वो गुड्स अलग अलग स्टेट में था और फीस कॉमन चार्ज करी तो ऐसे केस में अगर सेम गुड्स पे सर्विसेज परफॉर्म करिए तो इक्वली डिवाइड कर देंगे अमंग ऑल दो स्टेट जहां जहां सर्विसेज परफॉर्म करिए पर अगर सर सेम गुड्स पे सर्विसेज परफॉर्म नहीं करी सर कोई फैक्ट्री थी उसकी एक ब्रांच महाराष्ट्र में थी एक गुजरात में थी एक मध्य प्रदेश में थी सब जगह जा, जा के आपने सर्विसेज परफॉर्म करी तो ऐसे केस में इनवॉइस वैल्यू वैल्यू ऑफ गुड्स जिन पे आपने सर्विस, सर्विसेज परफॉर्म करी, उनका जो इनवॉइस वैल्यू होगा मतलब जितना वैल्यू ऑफ गुड्स है उस रेशियो में आप क्या करेंगे प्लेस सप्लाई को डिफाइन कर देंगे रेस्पेक्टिव स्टेट वाइज क्लियर समझा मेरी बात और सर्विसेज अगर पर्सन परफॉर्म करी है अलग अलग स्टेट्स में जाके तो ऐसे केस में सर अगेन जिन जिन स्टेट में आपने सर्विसेज परफॉर्म करी वो इक्वली डिवाइड कर देंगे बेटा ये आपको एडिशनल पॉइंट था बाकी सर्विसेज इन रिलेशन टू प्रॉपर्टी और इवेंट्स रिलेटेड सर्विसेज अगर मोर देन वन स्टेट में होती तो क्या होता है जो हमने सेक्शन नंबर ट्वेल्व के रेस्पेक्ट में रूल्स में जो पड़ा वही यहां पे है बेटा क्लियर माहौल सर ये था सब सेक्शन नंबर एट सर बहुत ही काम का रूल है बहुत ही बहुत ही काम का प्रोविजन है तीन सर्विसेज सर्विसेज ये तीन के इसमें ध्यान रखना देखो जनरल प्रोविजन क्या कहता है का लोकेशन शेल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में रेसिपेंट का लोकेशन नहीं आए तो सप्लायर का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई पर ये तीन सर्विसेज में हमेशा सप्लायर का लोकेशन ही क्या हो जाएगा हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई फर्स्ट सर्विस सर सर्विसेज प्रोवाइड बाय बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी टू इट्स अकाउंट होल्डर्स टू इट्स अकाउंट होल्डर्स सेकंड इंटरमीडियरी सर्विसेज ध्यान रखना इंटरमीडियरी भले गुड्स का हो या इंटरमीडियरी भले सर्विसेज का हो क्लियर एजेंट ब्रोकर जो सर एज एन एजेंट काम कर रहा है नॉट ऑन प्रिंसिपल बेसिस वो खुद की भी आप सर्विसेज सप्लाई नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में सर एजेंट का लोकेशन क्या हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई एंड थर्ड सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर सर अब मीनस ऑफ ट्रांसपोर्ट आपने गिविंग ऑन हायर किया है अदर देन वेसल और एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग यॉट अप टू पीरियड ऑफ वन मंथ तो सर ऐसे केस में सप्लायर का लोकेशन क्या हो जाएगा भाई प्लेस ऑफ सप्लाई क्लियर एसीबेन का लोकेशन देखने की जरूरत नहीं है ये आपका नंबर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सबसे सबसेक्शन नंबर नाइन सर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स अदर देन बाय वे ऑफ मेल और कुरियर सर वहां पर क्या था सेक्शन ट्वेल्व ने जहां से गुड्स उठाया यहां पे गुड्स को जहां डिलीवर किया है सर डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स इज द प्लेस ऑफ सप्लाई सर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस के केस में क्या होगा इन केस ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस के केस में सेम पॉइंट जहां से पैसेंजर ने एम्बार्क किया है ऑन दी फॉर अ कंटिन्यूस जर्नी पर ध्यान रखना वहां पर रिटर्न जर्नी को सेपरेट जर्नी माना गया था यहां पर अगर सिंगल टिकट पे दस जर्नी अगर आप कर रहे हो मान लो यहां से दुबई गए दुबई से सर नेपाल चले गए नेपाल से अमेरिका चले गए वहां से ऑस्ट्रेलिया और सिंगल टिकट अगर है तो फर्स्ट जहां से आपने एमबार्क किया है ऑन दी कन्वेंस उसको कंटिन्यूस जर्नी मानते हुए वही प्लेस क्या हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई ओके सबसे नंबर इलेवन सर्विसेज ऑन बोर्ड अगर आपने प्रोवाइड करी तो वही सेम पॉइंट Sir, first scheduled departure of the first scheduled point of departure of the convention is the place of supply. Okay, subsection number 12, very important OIDR service, online information or database access retrieval services. ओके ओ आई डी आर सर्विस हमारे स्टूडेंट गप्पी जी आ गए अभी क्लास के अंदर ओके okay, ध्यान सुनिएगा बेटा ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन और डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विस केस में हमेशा रेसिपेंट का लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा क्लियर सर अब आपको दिमाग में पॉइंट आएगा अगर रेसिपेंट का लोकेशन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं आता तो भी रेसिपेंट का लोकेशन ही निकालना है अब रेसिपेंट का लोकेशन इंडिया का कैसे पता पड़ेगा ये सेवन फैक्टर देर के उन सेवन में से कोई भी दो फैक्टर पूरे है कंप्लीट है कंडीशन मतलब समझना रेसिपेंट इंडिया का है सर फर्स्ट जब सर जब आपने लॉग किया था वहां पे एड्रेस जो दिया आपने इंडिया का दिया सर आपने बिलिंग एड्रेस जो दिया वो इंडिया का दिया देन आपका आईपी एड्रेस इंडिया का है आपने जिस इंटरनेट से ना सर इंटरनेट कनेक्ट किया हुआ आप जिस नेट से वो इंटरनेट इंडिया का है बेटा वाईफाई कनेक्शन वगैरह क्लियर सर सिम कार्ड से अगर आपने कनेक्ट किया नेट तो वो सिम इंडिया से इशू हुआ है आपने जो पेमेंट किया है वो अगर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड या किसी और कार्ड से किया है तो वो कार्ड इंडिया से इशू हुआ है या नेट बैंकिंग के थ्रू पे किया तो वो बैंक अकाउंट इंडिया का है इनमें से कोई भी दो फैक्टर पूरे हो जाएंगे तो मान लेंगे रेसिपेंट इंडिया का है क्लियर इसलिए रेसीपेंट का लोकेशन ही क्या होता है प्लेस ऑफ सप्लाई क्लियर ओके सर आई डर सर्विस ध्यान रखना बेटा अगर सप्लायर और सर्विस आउट ऑफ इंडिया है रेसिमेंट ऑफ सर्विस इंडिया में है इसका सेक्शन नंबर फोर्टीन और आ रहा है तब बात करते हैं हम सेक्शन नंबर थर्टीन सब सेक्शन नंबर थर्टीन बोलता है गवर्नमेंट के पास पावर की वो चाहे तो कुछ सर्विसेज को नोटिफाई करके डिफाइन कर सकता है कि इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई यही रहेगा टू ओवर द डबल टैक्सेशन और टू ओवर द नॉन टैक्सेशन क्लियर और ये पावर यूज करके गवर्नमेंट ने सर दो सर्विसेज तो नोटिफाई ऑलरेडी कर दी थी और जिनके भी मई ट्वेंटी या उसके बाद एग्जाम होंगे उनके लिए थर्ड सर्विस एक और आ गई वो भी तुम्हें बता दूंगा यहां पे सर सुनिएगा ध्यान से <coughs> यहां पे बोल दिया है कि सेक्शन नंबर थर्टीन में पूरे में कहां भी क्या लिखा है प्लेस ऑफ सप्लाई कंसर्न नहीं है इन सर्विसेज में हमेशा प्लेस ऑफ सप्लाई यही रहेगा जो यहां नोटिफाई करके बताया फर्स्ट आर एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज इन रिलेशन टू फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स सर फार्मा सेक्टर के लिए बोल दिया है अगर सर्विस सप्लायर लोकेटेड इन इंडिया है और रेसिपेंट ऑफ सविस इज लोकेट इन नॉन टैक्सबल टेरिटरी तो ऐसे केस में देखो आरएनडी करते तो दवाई इंडिया में होती बेटा सर विशेष यहाँ परफॉर्म करोगे फिर भी रेसिपेंट का लोकेशन बी द प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा बेटा रेसिपेंट का लोकेशन जो आउट ऑफ इंडिया है वही प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे सो दट एक्सपोर्ट के बेनिफिट मिल पाए उस आए सर्विस करने वाले को वरना सेक्शन नंबर थर्टीन सब सेक्शन थ्री में फॉलो हो जाता तो सर टैक्स लग जाता अननेसेसरी इस आर सर्विस पर इसलिए गवर्नमेंट ने बोल दिया है क्या कि रेसीपेंट का लोकेशन शेड विद प्लेस ऑफ सप्लाई पर कंडीशन क्या रखी इसमें कि यहां पे जो सर्विसेज प्रोवाइड करिए टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट प्रोवाइड करिए और सेकंड सर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की सारी अदर कंडीशन सेटिसफाइड है एक्सेप्ट प्लेस ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा रेसीपेंट का लोकेशन हो जाएगा तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन भी पूरा हो जाएगा और एक्सपोर्ट का बेनिफिट मिल जाएगा सेकंड सर एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट इंजन के लिए अगर आपने सर्विसेज सर्विसिंग मेंटेनेंस और ओवरहोलिंग सर्विसेज दिए क्लियर सर ध्यान रखिएगा बेटा टू अ पर्सन हु इज एंगेज इन दी सर्विसज इन द कोर्स और फर्द एंस ऑफ बिजनेस पढ़े हो ध्यान से सप्लाई ऑफ मेंटेनेंस रिपेयर और ओवरऑल सर्विस इन रेस्पेक्ट ऑफ एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट इंजन एंड अदर एयरक्राफ्ट कंपोनेंट और पार्ट टू अ पर्सन फॉर यूज इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो ऐसे इसमें रेसिपेंट का लोकेशन शेयर विद द प्लेस ऑफ सप्लाई ध्यान रखना सर रेसीपेंट का लोकेशन शेयर विद प्लेस ऑफ सप्लाई अच्छा एक बात ध्यान रखना अगर सप्लायर और सर्विस आउट ऑफ इंडिया है सप्लायर सर्विस आउट ऑफ इंडिया है और इंडिया का इंडिया का कोई शिप एयरक्राफ्ट था इंडियन कंपनी का मान लो टाटा का या इंडिको का जो आउट ऑफ इंडिया खराब हो गया उसका रिपेयरिंग आउट ऑफ इंडिया की कंपनी ने करी अब भले ही सर्विसेज उसने परफॉर्म आउट ऑफ इंडिया करी पर फिर भी रेसिपेंट का लोकेशन मान लो इंडियागो एयरलाइन इंडिया का बेटा तो इंडिया इज द प्लेस ऑफ सप्लाई और अपलाय टैक्स लग जाएगा क्लियर तो यहां टैक्स के स्कोप में आ गया है ये प्लेस ऑफ सप्लाई डिफाइन करने की वजह से और हाँ जिनके भी मई ट्वेंटी टू ईर्स के बाद एग्जाम है यहां पे एक थर्ड पॉइंट और हो गया है थर्ड पॉइंट इज रिगार्डिंग शिप एंड वेसल्स सेम पॉइंट सेम पॉइंट जो एयरक्राफ्ट का था वही शिप और एयरक्राफ्ट शिप और वेल के लिए भी हो गया है गया है सेम पॉइंट लिख दिया मेंटेनेंस रिपेयर्स और सर्विसेज रिगार्डिंग शिप और वेसल्स और देयर पार्ट्स और इंजन तो ऐसे अगेन रेसिपिन का लोकेशन शेल प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विसेज कहां परफॉर्म करिए उसकी कोई कंसर्न नहीं है क्लियर ये आपका सेक्शन नंबर थर्टीन पूरा खत्म होता है अब ओके okay, ओके okay, ये पूरा सेक्शन नंबर थर्टीन खत्म होता है अब ये प्लेस ऑफ सप्लाई का ध्यान रखना जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं क्योंकि बहुत सारे सब सेक्शन होते हैं तो पता है प्लेस और सप्लाई के अंदर क्या होता है हमें लगता है डिफिकल्ट है सो और इतने सारे पॉइंट कैसे याद होंगे तो मेहनत करनी पड़ेगी याद रखने पड़ेंगे बेटा ये यहां याद रखनी पड़ेगी गवर्नमेंट ने हर एक ट्रांजेक्शन को इंडस्ट्री वाइज डिफाइन करके इंडस्ट्री वाइज स्टडी करके अकॉर्डिंगली प्लेस ऑफ सप्लाई डिफाइन किया है ओके ओके सरकार अब देखिए ध्यान से अब दो तीन सर्कुलर दे देखे वो बता हूं मैं आपको सबसे पहली बात सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज सबसे पहली बात इसका सर्कुलर दे रखा है कि साहब इसको ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स की तरह ट्रीट करेंगे और अकॉर्डिंगली प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा पर अब उस प्लेस ऑफ सप्लाई का कोई रिलेवेंस नहीं है क्योंकि सैटलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज बाय इसरो या अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड हैव बीन एक्जिटेड फ्रॉम जीएसटी मेगा लिस्ट में इसको कवर करके एक्सम कर दिया इसलिए सर्कुलर का कोई रिलेवेंस नहीं रहा है क्योंकि टैक्स एक्जिम हो गया है देन सर क्लेरिफिकेशन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज अंडर जीएसटी सुनिए ध्यान से मान लो आई एम दी सप्लायर सर्विस और यूएसए का एक क्लाइंट है जिसको मैं सर्विस दे रहा हूं अब सर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक करोड़ डॉलर का है बेटा पर सर मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं उसको सर्विसेज इतनी प्रोवाइड कर पाऊं मैंने क्या किया ये काम आउटसोर्स कर दिया जापान के एक पर्सन को अब जापान के एक पर्सन को मैंने आउटसोर्स किया और उसको बोला तुम एक काम करो सर्विसेज प्रोवाइड करो मेरे यूएसए वाले क्लाइंट को मेरे बिहार पर क्लियर नाउ ही इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू यूएसए वाला क्लाइंट अब मान लो ही इज चार्जिंग सिक्सटी थाउजेंड डॉलर चलो एक करोड़ डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट था सिक्सटी लेख डॉलर वो चार्ज कर रहा है मेरे से तो एक तरह से क्या हो गया आई एम सप्लाइंग सर्विसेज टू यूएसए वाला पर्सन एंड जापान वाला पर्सन इज प्रोवाइडिंग जापान वाला पर्सन इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू मी क्लियर अब सर ऐसे केस में सर्कुलर ने बोला कि मान लो यूएसए वाले पर्सन ने डायरेक्टली सिक्सटी लेख डॉलर जापान वाले को पे कर दिया और रिमेनिंग फोर्टी लेख ही मेरे को पे किया तो क्या है माना जाएगा कि फॉर दी पर्पज ऑफ फेमा पूरा कंसिडेशन इंडिया में रिसीव हुआ है तो सर्कुलर ने बोला हाँ भाई हाँ ये माना जाएगा कि पूरा एक करोड़ डॉलर जो है वो इंडिया में रिसीव हुआ है और पूरे एक करोड़ को एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा क्लियर अरे भाई वैसे भी एक करोड़ अगर कर इंडिया में आता और सिक्सटी उसको पे करते तो नेट फोर्टी लेके आता ना यार आपको तो एक तरह से सिक्सटी लेकिन सर्विसेज आपने इंपोर्ट करिए अगर अदर कंडीशन सेटिसफाई होती तो और एक करोड़ की सर्विसेज आपने क्या करिए एक्सपोर्ट करिए क्लियर कोई दिक्कत नहीं है भले पूरा एक साथ इंडिया में नहीं आया है आपने पार्ट कंसिडरेशन जापान वाले को दिलवा दिया पार्ट अपने पास लिया तो भी पूरा एक करोड़ का माना जाएगा कि सर्विसेज एक्सपोर्ट हुई है ओके सर नेक्स्ट है क्या प्लेस ऑफ सप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ वेरियस कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज सर पोर्ट अथॉरिटीज जो प्रोवाइड करती है कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज इन रिलेशन टू इंपोर्टेड गुड्स तो ऐसे केस में <coughs> सर पहली बात तो ये ये सर्विसेज इन रिलेशन टू इमोबल प्रॉपर्टी नहीं है सर्विसेज इन रिलेशन टू इमोवल प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं है और यहां पे बोल दिया जनरल प्रोविजन सेक्शन नंबर ट्वेल्व सब सेक्शन टू या अगर एक पर्सन आउट ऑफ इंडिया का एक इंडिया का तो सेक्शन नंबर थर्टीन सब सेक्शन टू वाले प्रोविजन लगेंगे यहां पे इमोवल प्रॉपर्टी वाले सर्विसेज के प्रोविजन नहीं लगेंगे जैसे अराइवल ऑफ वेगन एट पोर्ट हॉलेज ऑफ वेगन इन द एरिया ऑफ द पोर्ट अप टू प्लेस ऑफ अनलोडिंग ये सब चीजें सब जो पोर्ट सर्विसेज़ होती है उसके लिए जनरल सेक्शन सबसेक्शन टू लगाने का बेटा ओके और हाँ इसी सर्कुलर में एक और था कटिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ द डायमंड सर ऐसे केस में क्या होता है अगर कोई डायमंड टेम्प्ररी इंडिया में आ रहा है उसका कटिंग पॉलिशिंग इंडिया में हो रहा है और वो, वो डायमंड इंडिया से बाहर जा रहा है तो आपको पता है अगर कोई गुड्स टेम्प्ररी इंडिया में आ रहा है और उस पर कोई प्रोसेस होकर वो गुड्स वापस इंडिया से बाहर ले जा रहे हो तो सबसेक्शन थ्री नहीं लगता है सेक्शन नंबर थर्टीन सबसेक्शन टू लगेगा इस केस में ओके डन सरकार एक और बात लास्ट सर्कुलर सर्विसेज क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर और डिजाइन सर्विसेज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बोलाजन पर क्या होता है, कि ये क्या करती है? से कुछ प्रोडोटाइप इंडिया में बेचती है जिसपे आपको रिसर्च डेवलपमेंट करना पड़ता है दिस इज अट ऑफ देंट ऑफ दर या प्रोडोटाइप जो बना रहे हो जो हार्डवेयर बना रहे हो इंजीनियरिंग काम का एक पार्ट है टेस्टिंग करना तो ऐसा नहीं कि टेस्टिंग आप कर रहे हो फिजिकल पार्ट पे करो तो जहां सर्विसेज परफॉर्म करी वही प्लेस तो सप्लाई हो जाएगा ये सर्कुलर बोला नहीं, नहीं भाई नहीं टेस्टिंग इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ दी

सप्लायर आउट ऑफ इंडिया रेसिमेंट इंडिया प्लेस ऑफ सप्लाई भी इंडिया इम्पोर्ट ऑफ सर्विस हो गया टैक्स लगेगा अब अगर यहां पर बोल दिया अगर इफ द रेसिपेंट इज रजिस्टर इन जीएसटी तो उसको बोलते हैं टैक्सिबल ऑनलाइन रेसिमेंट और ऐसे केस में वो टैक्स पे करेगा रिवर्स चार्ज मैंकर अगर इफ द रेसिमेंट इज नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी उसको बोलते हैं नॉन टैक्सबल ऑनलाइन रेसिमेंट और अगर रेसिपेंट नॉन टैक्सीबल ऑनलाइन रेसिमेंट है तो ऐसे केस में टैक्स तो लगेगा पर सप्लायर ऑफ सर्विस जो फॉर एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स डॉट कॉम आउट ऑफ इंडिया है वो ही टैक्स पे करेगा और उसी को टैक्स पे करना पड़ेगा यहाँ रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा <coughs> अच्छा यहाँ पर तीन बातें वही बोल दी कि अगर अगर ओ आई डी आर सर्विस सप्लायर जो आउट ऑफ इंडिया है उसका फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में है तो वही टैक्स पे करेगा उसका फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में नहीं है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस जो इंडिया में है, वो टैक्स पे करेगा और वो भी नहीं है तो दे विल हैव टू अपॉइंट अ पर्सन इन इंडिया हु विल पे टैक्स ऑन देयर बिहफ मतलब पे तो उन्हीं को करना पड़ेगा बेटा क्लियर ओके अच्छा इसके अंदर एक और पॉइंट है अगर मान लो सप्लायर सर्विस आउट ऑफ इंडिया है सर्विस इंडिया में है और बीच में कोई है और उस उसमीडियट के थ्रू सर्विसेज उस सप्लायर और सर्विस ने प्रोवाइड करी आपको तो ऐसे केस में सप्लायर सर्विस किसको माना जाएगा वो जैसे का आपने सर्विसेज इंडिया में लिया क्लियर और बीच में फेसबुक डॉट कॉम या किसी और इंटरनेट वेबसाइट के थ्रू आपको नेटफ्लिक्स का लिंक मिला और वो बीच में जो फेसबुक था वो कौन इंटरमीडियट मान लो तो सप्लायर और सर्विस फेसबुक को मानेंगे या नेटफ्लिक्स डॉट कॉम को मानेंगे यहां पे चार कंडीशन बोली है कि अगर ये चारों कंडीशन सेटिसफाई हुई तो नेटफ्लिक्स डॉट कॉम जो है ओरिजिनल सप्लायर वही सप्लायर और सर्विस कहलाएगा पर अगर ये चारों कंडीशन क्यूमिलेटिवली सेटिस्फाई नहीं होती है तो ऐसे केस में बीच में जो इंटरमीडरी है उसको मान लेंगे वही सप्लायर और सर्विस है और जो सप्लायर और सर्विस होता है उस पर इंडिया के जीएसटी वाले प्रोविजन लग जाएंगे उसको कंपलसरी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा टैक्स पे करना पड़ेगा इंडिया में आकर क्लियर इसलिए वो चार कंडीशन कौन कौन सी है फर्स्ट अगर ये चारों कंडीशन सेटिसफाइड तो नेटफ्लिक्स डॉट कॉम को ही सप्लायर मानेंगे फर्स्ट सर जो इनवर्स इश्यू हुआ है उस इन्वर्स में क्लियरली लिखा हुआ है कि सप्लायर ऑफ सर्विस नेटफ्लिक्स डॉट कॉम है एग्जाम्पल देते आपने नेटफ्लिक्स से वीडियो सब्सक्राइब किए और बीच में कोई वेबसाइट थी फेसबुक डॉट कॉम जो जो बेटा जिसके थ्रू आपने आपनेटफ्लिक्स का वीडियो सब्सक्राइब किया है ओके तो सर नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स को ही टैक्स पे करना पड़ेगा उसी को सप्लायर ऑफ सर्विस मानेंगे अगर ये चारों कंडीशन पूरी है तो फर्स्ट जो इनवर्स इशू हुआ उस इन्वर्स में क्लियरली लिखा हुआ है कि सर्विसेज आर बिंग प्रोवाइडेड बाय नेटफ्लिक्स डॉट कॉम नॉट फेसबुक और सर सेकंड जो आपने पेमेंट किया है वो पेमेंट डायरेक्ट नेटफ्लिक्स के अकाउंट में जा रहा है फेसबुक अकाउंट में नहीं जा रहा है थर्ड जो सर्विसेज नेटफ्लिक्स ने प्रोवाइड करी वो अगर डिफेक्टिव हुई तो उसके लिए फेसबुक कोई रेस्पॉसिबल नहीं है एंड सर ध्यान रखना इंटरमीडिएट जो है फेसबुक दैट दैट फेसबुक इज नॉट ऑथराइजिंग डिलीवरी ऑफ दी सर्विसेज डायरेक्टली सर्विसेज आ रही कहां से नेटफ्लिक्स और वही ऑथराइज करा है सर्विसेज को डायरेक्टली क्लियर और सप्लायर ऑफ सर्विस और ऑफ सर्विस के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को सर डिफाइन करने में नेटफ्लिक्स डॉट कॉम का ही रोल है उसमें फेसबुक का कोई रोल नहीं है ये सारी कंडीशन अगर सेटिस है तो नेटफ्लिक्स डॉट कॉम ही सप्लाई सर्विस आएगी बेटा क्लियर और यहां पे पावर दे दिया गवर्नमेंट को कि वो प्रोसेस दे सकता है इस तरह के ओआडीआर सर्विस सप्लायर जो आउट ऑफ इंडिया है उनको सिंप्लीफाइड स्कीम देगा रजिस्ट्रेशन के लिए रिटर्न फाइल करने के लिए टैक्स पे करने के लिए क्लियर माहौल ये था सेक्शन नंबर फोर्टीन सेक्शन नंबर फिफ्टीन अगर कोई फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आया है उसने इंडिया में से कोई गुड्स परचेज किया तो उसको इंटरस्ट परचेज करता है इंटरस्टेट सप्लाई कहते हैं उस पर आईजीएस

एसीजेड इज जीरो रेटेड सप्लाई अब अगर आप जीरो करें तो वहां दो ऑप्शन है आप चाहे तो बॉन्ड या एलईटी साइन कर दीजिए बिफोर जीरो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स सर जीरो सप्लाई अलाउ हो जाएगा क्योंकि इसको इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं इस पर सेक्शन सेवन एक्ट ए एंड बी क्लियर तो सर अगर आपने बॉन्डी एल साइन कर दिया तो आपको कोई आईजीएसटी पे नहीं करना है और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स यू कैन एक्सपोर्ट द गुड्स और सर्विस या यू कैन सप्लाई टू एस पर यहां पर इनपुट इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स जो काम है उसका आई आपको मिलेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और इनपुट और इनपुट सर्विस का आई काम नहीं है तो यू कैन क्लेम द रिफंड ऑल्सो प्लस एक बात और ध्यान रखिएगा जीरो रेटेड सप्लाई केस में आपने जो आउटपुट गुड्स या सर्विस एक्सपोर्ट करी है एससीजेड को सप्लाई करी है वो भले ही एक्सिमट हो फिर भी उसमें काम आने वाले इनपुट इनपुट सभी मिलेगा और यूज नहीं है, तो उसका आप ले सकते हो कोई दिक्कत बात नहीं है क्लियर समझे मेरी बात अच्छा सेकंड ऑप्शन होता है कि जीरो सप्लाई इज इंटरस्टेट सप्लाई इसलिए आप आईजीएसटी पे करो और आईजीटी जो पे किया उसका रिफंड क्लेम कर लीजिए हमें कोई दिक्कत नहीं ये था ट्रांसफर ऑफ सर्टन अमाउंट सर आपको है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अभी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के किसी माइनर हेड या किसी मेजर हेड के किसी माइनर हेड में कोई अमाउंट पड़ा है तो वो किसी और मेजर हेड या माइनर हेड में आप ट्रांसफर कर सकते हो तो अगर मान लो सी जीएसटी के किसी भी माइनर हेड से आपने अमाउंट एस जीएसटी में ट्रांसफर किया है कैश लेजर की बात करूं कैश लेजर तो ऐसे केस में उतना अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के फंड्स में ट्रांसफर करेगी वाइस ऑफरसो so, मतलब गवर्नमेंट अपने फंड अकाउंट को इस तरह से मैनेज करेगी कि जितना फंड इधर से उधर ट्रांसफर होगा उतना गवर्नमेंट भी एक्चुअली फंड ट्रांसफर करेगी बेटा क्लियर सेक्शन नंबर नाइनटीन लास्ट कहता है कि अगर आपने कोई इंटरेस्ट uh, सप्लाई था जिसको गलती से इंटरस्ट मानते हुए सी जी एस टी और एस पे कर दिया तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हम तो आपसे आई जी एस टी लेंगे ही लेंगे हाँ आप चाहे तो जो गलती से आपने सी जी एस टी और एस जी एस टी पे कर दिया उसका रिफंड क्लेम कर सकते हो क्लियर पर आई जी एस टी पे करना पड़ेगा और हां पर ध्यान रखना इस आई में हम आपसे कोई इंटरेस्ट कोई चार्ज नहीं करेंगे अच्छा वाइस वर्षा सेम सेक्शन दे रहा है सी जी एस टी में

ट खुद अपने बिहार पे सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करना चाहिए अगर वो प्रिंसिपल बेस पे सर्विसेज दे रहा है वो खुद जिम्मेदार है उन सर्विसेज के लिए तो ऐसे केस में वो इंटरमीडियट नहीं कहलाता और इसी के साथ पूरा आईजीएसटी खत्म होता है अब प्लेस ऑफ तो सप्लाई के सारे प्रोविजन खत्म होते हैं अब बस ध्यान रखना जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं हाँ इंडिया ही कमान आपके हाथ में आने वाली है आपका सिग्नेचर जो होगा सर खुद प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि उनके सिग्नेचर से भी भारी वैल्यू आपकी होगी बस ध्यान रखना जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं ऑल दी बेस्ट लव यू ऑल टेक केयर माहौल बनाते रहिए थैंक यू सो मच